प्रहलाद जानी, वो इंसान जिसने 76 सालों से जीवन में कुछ नहीं खाया और न ही कुछ पिया, फिर भी ताउम्र जीवित रहा। डॉक्टर इन पर शोध कर करके थक गए मगर कुछ न मिला। भारतीय सेना के डॉक्टर्स की टीम ने इन्हें 15 दिन तक एक ऐसे कमरे में बंद रखा जहां कुछ भी नहीं था सिवाय बिस्तर के। इनके कमरे में CCTV लगाए गए। 15 दिन बाद इन्हें चेक किया तो सब कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर भी हैरान थे। फिर देश विदेश के डॉक्टर्स की टीम ने इन पर अलग अलग शोध किए मगर उन्हें कोई रिजल्ट न मिला कि कैसे कोई इंसान इतने सालों से बिना खाए पिए जीवित है। प्रहलाद जानी गुजरात काठियावाड़ जिले में रहते थे और 26 मई 2020 इन्होंने प्राण त्याग दिए। इनके अनुसार मात्र 9 वर्ष की आयु में भगवान श्रीनाथ कृष्ण की ये पूजा करते थे और एक दिन अचानक भगवती महामाया काली प्रकट हुई और इन्हें वरदान मांगने को कहा। इन्होंने मांगा कि इन्हें कभी भूख प्यास न लगे। देवी ने तथास्तु बोलते हुए वरदान दिया। तब से ये बिना अन्न जल के रहने लगे। इनकी तालू से अमृत गिरता था। इनका न बड़ा आश्रम, न ही अरबों की दौलत, मगर प्रहलाद जानी ने विज्ञान की जड़ें हिला दी थी। अच्छे अच्छे नास्तिक न चाहते हुए भी स्वीकार करने को मजबूर थे। संत प्रहलाद जानी चुनरी वाली माताजी का गुजरात में 26 मई 2020 को निधन हो गया। आप 90 साल के थे। आपके बारे में कहा जाता था कि आपने पिछले 76 साल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। आप सिर्फ श्वास के सहारे जीवित हैं। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक अनुषांगिक संस्था DIPAS यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज ने 2 बार संत प्रहलाद जानी के इस दावे की जांच की कि उन्होंने पिछले 76 साल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उनके ऊपर बड़ी वृहद साइंटिफिक रिसर्च हुई है, पहली बार 2003 में और दोबारा 2010 में। 2010 में DIPAS, DRDO, एम्स जैसे संस्थानों के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल के एक शीशे के चेंबर नुमा रूम में पूरे 15 दिन तक उनकी निगरानी की। कुल 40 डॉक्टर्स की टीम और 24 घंटे CCTV कैमरा की निगरानी में उन्हें देखते जांचते रहे। पल पल उनका टेम्परेचर, BP, हार्ट बीट, ब्लड शुगर, लाइपिड प्रोफाइल, CBC, किडनी एवं लिवर फंक्शन जैसे तमाम टेस्ट होते रहे। इस बीच उनके शौचालय जाने, मल मूत्र विसर्जन की भी निगरानी और टेस्ट हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि उन 15 दिनों में संची ने एक बूंद भी जल या कोई अन्न नहीं लिया। 24 घंटे में औसतन 100 मिलीलीटर पेशाब उनको होता था। मल त्याग नहीं किया एक बार भी। तमाम रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने यही निष्कर्ष निकाला कि संची एक अज्ञात रहस्यमयी प्राण शक्ति से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। DIPAS और DRDO जैसी संस्थाएं सेना के लिए ऐसी रिसर्च करती हैं जिनसे विकट परिस्थितियों में मरुस्थल या बर्फीली चोटियों पे सैनिक बिना कुछ खाए पिए भी न सिर्फ सर्वाइव कर सके बल्कि लड़ सके। इसी क्रम में DRDO एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी फूड्स पे रिसर्च करती हैं जिससे जेब में रखी एक चॉकलेट मात्र से हफ्ते भर की ऊर्जा मिल सके। तो DIPAS जैसी संस्था ने भी संत प्रहलाद जानी के इस दावे को सत्य माना कि उन्होंने लंबे समय तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ऐसे में हमारे ग्रंथों में समाधि की जिस अवस्था का जिक्र आता है जिसमें योगी सिर्फ योग प्राणायाम और प्राणवायु के सहारे ही वर्षों समाधि में बिता देते थे, वैसे ही योगी थे संत प्रहलाद जानी।